श्री मदन भागवत कथा में कृष्ण की लीलाओं कथा एवं गोवर्धन परिक्रमा छप्पन भोग का प्रसाद लगाया गया। नगर में श्रीमद् भागवत कथा में राष्ट्रीय वक्ता साध्वी रितांबरा जी ने श्रीमद् भागवत कथा के पांचवें दिवस कृष्ण जन्म लीलाओं की कथा एवं गोवर्धन परिक्रमा छप्पन भोग का प्रसाद लगाया गया। उनके भजनों से श्रोता झूम उठे, नाच उठे, पूरा पंडाल भक्ति में हो गया। आपको बता दें कि उनके द्वारा भजनों में राघव नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ये चिड़िया राम की बड़े हैं काम की, चुक चुक दाना खाती, गुनगुन गाना गाती सहित अनेक भजन अपने श्रीमुख से सुनाए। साध्वी रितंबरा जी ने प्रहलाद होलिका की कथा, अजमल हिरण कश्यप देवासुर संग्राम सहित अनेक कथा सुनाते हुए कहा कि हिंदू समाज को एकजुट होने की जरूरत है। हजारों की संख्या में जनमानस तथा कथा श्रवण करने उपस्थित थे। साध्वी श्री रितंबरा जी ने कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त एवं पूर्व विधायक करेरा यजमान जसवंत जाटव से कहा कि जो धर्म का कार्य करता है उसके साथ सर्व समाज खड़ा रहता है। 3 मई को प्रातः 9 बजे गुरु दीक्षा का कार्यक्रम भी आयोजित किया जा रहा है। आयोजकों ने अपील की है कि जो लोग गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं वह 3 मई को प्रातः 9 बजे गुरु दीक्षा ले सकते हैं। कार्यक्रम में सुरक्षा व्यवस्था हेतु भारी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रहा। संवाददाता संजय गुप्ता की रिपोर्ट। अभिषेक किया भगवान को, नया नाम गोविंद मिला, अब गो माताओं के रक्षक भगवान ही होंगे, भगवान ही गायों के इंद्र होंगे, इसलिए गोविंद श्री गोवर्धन महाराज।